हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन के तीन फेसेस होते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। आज मैं आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न बताऊंगी। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। अगर हमने आउटपुट को चेंज करना है तो हम वेरिएबल फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ लेबर को इंक्रीज़ करते हैं। जब हम लेबर को फिक्स्ड फैक्टर के साथ कंबाइन करते हैं और उसकी मात्रा को चेंज करते हैं, पोर्शन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेज ऐसी आती है कि जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है कॉन्स्टेंट हो जाता है, टोटल आउटपुट इंक्रीज़ होता है लेकिन कॉन्स्टेंट रेट के ऊपर इंक्रीज़ होता है। डॉक्टर मार्शल डिफाइन करते हैं, इफ़ द एक्शंस ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग आर बैलेंस, वी हैव लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न। जो कॉन्स्टेंट रिटर्न्स है इसको हम कॉन्स्टेंट रिटर्न और कॉन्स्टेंट कॉस्ट के रूप में मैं एक्सप्लेन करूँगी। आप देख रहे हो कि हमने हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम लेबर की मात्रा को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो टीपी जो है, टोटल प्रोडक्ट जो है कॉन्स्टेंट रेट के ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है, 25 से 50 की दर से ये इंक्रीज़ हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है स्टेबल रहती है, हर सिचुएशन के अंदर वो 25 रहती है। तो यहाँ पे जो इसको जब हम ग्राफिकली भी करते हैं, ओ एक्स पे हम यूनिट्स ऑफ लेबर लेते हैं, ओ वाई पे हम एमपी लेते हैं, जब हम ड्रॉ करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व जो है वो पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस होता है, जो इंडिकेट करता है कि चाहे जितनी मर्जी हम लेबर इन्हांस कर ले, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो सेम रहेगी, वो स्टेबल ही रहेगी। उसी तरह हम इस लॉ को कांस्टेंट कॉस्ट के रूप में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे देखो, जैसे जैसे हम लेबर को हायर कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, टीपी इंक्रीज़ हो रहा है बट कांस्टेंट रेट पे। फर्स्ट लेबर की जो कॉस्ट है वो 100 है, सेकंड की 200 है, 300 है, 400 है, 500 है। जब हमने इसको टीपी से डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 4 रुपीज़ आती है। तो यहाँ पे हमारी पर यूनिट कॉस्ट भी जो है, एवरेज कॉस्ट है, वो भी सेम है। ओ एक्स पे हम यूनिट्स ऑफ लेबर लेते हैं, ओ वाई पे हम एवरेज कॉस्ट लेते हैं। यहाँ पे भी जो शेप ऑफ दी कर्व है वो पैरेलल टू ओ एक्सिस है, जो हमें बताती है कि हमारी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो सेम रहती है। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट रिटर्न्स है ये इस वजह से एप्लीकेबल होता है क्योंकि जब फिक्स्ड फैक्टर का जब हम ऑप्टिमम रेशो, जो आइडियल रेशो जब हम ऑब्टेन कर लेते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि जिस रेशो के अंदर हम उसको चेंज करते हैं उसी रेशो के अंदर ही जो होता है आउटपुट इंक्रीज होता है, और इस तरह हमारी जो कॉस्ट होती है वो भी उसी रेशो के अंदर ही जो है पर यूनिट जो है कांस्टेंट रहती है, और यहाँ पे हमारी इकोनॉमीज़ और डिस इकोनॉमीज़ जो है बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें कांस्टेंट टर्न टू स्केल एप्लीकेबल होता है।